हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज मैं आया हूं अपने 10वें वीडियो के साथ और ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। जी बिल्कुल सही, हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल क्लास 12th का ये लास्ट टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फास्ट एडजस्टमेंट के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अरे बच्चों, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आपको गारंटी समझनी है उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जानना जरूरी है। अगर ये आपको नहीं आता है तो थोड़ी मुश्किल होगी, उसके लिए आप मेरे पुराने वीडियो पर जाइए और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझिए तो ये बहुत ही आसान टॉपिक रहेगा। गारंटी शब्द हमारे लिए बहुत ही नोन है, हम जानते हैं गारंटी कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमने बचपन से सुना ना हो। जब हम किसी को बोलते हैं कि हम तुम्हें मिनिमम इतना तो देंगे, है ना, सेम पार्टनरशिप में जब कोई नया पार्टनर, सपोज करो मैं और मेरा दोस्त, हम ए और बी हमारा नाम है, हम दो पार्टनर हैं और हम एक नए पार्टनर सी, मेरा एक और फ्रेंड है, हम चाहते हैं वो हमारी पार्टनरशिप में आए। हम उसके पास गए, हमने कहा भाई ऐसे ही ऐसे ऐसे करके हमें पैसे की भी जरूरत है, हमें मैनेजमेंट की भी जरूरत है, आप आओ हमारी पार्टनरशिप हमें ज्वाइन करो। तो सी बोलता है देखो भाई मैं अपना भी एक काम कर रहा हूँ। हमने कहा छोड़ दो, मिलके काम करेंगे और अच्छा कमाएंगे। पर देखो जो मैं काम करता हूँ ना उसमें मैं कम से कम 1,00,000 रुपये कमा लेता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ आया, मान लो मैंने 1,00,000 रुपये नहीं कमाया, लॉस हो गया तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ए और बी ने कहा भी ऐसा है तो चिंता मत कर, तू हमारे यहाँ और हम तुझे गारंटी देते हैं। मैं शब्द को गौर कीजिएगा, मैंने कहा हम तुझे गारंटी देते हैं कि तुझे कम से कम 1,00,000 का प्रॉफिट होगा। अगर तुझे 1,00,000 से कोई भी कम प्रॉफिट होता है तो वो या तो मैं या हम दोनों मिलकर तुझको देंगे। गारंटी का मतलब क्या हुआ? गारंटी का मतलब जो हम किसी आने वाले पार्टनर को या हमारे जो पुराने पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनको मिनिमम एक प्रॉफिट की गारंटी देते हैं कि भाई तुझे इतना तो मिलेगा, नहीं मिला तो वो या तो एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर उसको बियर करेंगे। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आया गारंटी का मतलब। अगर मैं त्वरित बात करूं तो उसमें लिखा हुआ गारंटी इज गिवन टू एनी पर्सन और पर्संस। या तो मैं एक पार्टनर गारंटी दे रहा हूँ या मैं एक से ज्यादा पार्टनर को। हमारे यहाँ चार पार्टनर हैं ए बी सी डी, तो ए और बी को हमने गारंटी दे दी, इसलिए हम इसे पार्टनर्स भी बोल सकते हैं, पर्संस भी बोल सकते हैं। तो गारंटी इज गिवन टू एनी पर्सन, या तो किसी पार्टनर को गारंटी देते हैं या पर्संस फॉर मिनिमम प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था ना गारंटी इस बात की होती है तुझे मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा। फॉर मिनिमम प्रॉफिट आइदर बाई फर्म, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आइदर बाई फर्म और बाई पार्टनर और बाई पार्टनर। देखिए या तो गारंटी फर्म देती है, और फर्म का मतलब क्या है? फर्म तो सर एक तरह से एक ऑफिस है, अब ऑफिस होना आएगा। फर्म का मतलब सभी पार्टनर, सपोज एबीसी पार्टनर्स हैं, सी को हम गारंटी दे रहे हैं तो फर्म का मतलब है ए और बी उसको गारंटी दे रहे हैं के अपने रेशो में हम देंगे, तो वो हो गया फर्म। या कोई एक पार्टनर बोलता है, ये कहता है कि भाई मैं गारंटी दूंगा, एबीसी तीन पार्टनर है, सी हल्ला मचा रहा है कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, बी कह रहा भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मैं नहीं मानता कि इसको इतना प्रॉफिट देना चाहिए, ए बोलता भाई दे देते हैं ये जरूरी है हमारे लिए, तो बी कहता भाई देखो आप दे दो मैं तो गारंटी नहीं देने वाला। तो ए कहता है ठीक है सी तुझे कम से कम 50,000 रुपये मिलेंगे, अगर तुझे नहीं मिले तो मैं पर्सनली तेरी डेफिशिएंसी को बियर करने वाला हूँ। इसलिए यहाँ पे बोला गया बाय पार्टनर या पार्टनर्स या एक से ज्यादा पार्टनर्स जब उसे गारंटी दें। हम पांच पार्टनर है ए बी सी डी ई, ए को हमने गारंटी दी है कि तुझे इतना पैसे मिलेंगे मिलेंगे, और ये गारंटी दी है बी और सी ने, तो पार्टनर्स। तो गारंटी का मतलब किसी भी इंसान को यानी किसी पर्सन को या एक से ज्यादा पर्सन को जब हम मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, चाहे वो गारंटी फर्म दे या कोई एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर दे, उसे बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। या एक और बोल सकते हैं इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू पार्टनर, ये वो मिनिमम अमाउंट है जो हम उसे कम से कम देंगे, जो हमने उसे गारंटी के रूप में बताई है। एक बात और उसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि मैंने सी से बोला सी तू आएगा तुझे मैं 1,00,000 रुपये कम से कम दूंगा, ये उसकी मिनिमम गारंटी हो गई। और सपोज करो उसको प्रॉफिट होगा 1,10,000 रुपये, उसके इसमें क्या होगा? फिर गारंटी हमारी क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी, यानी अब गारंटी कोई जरूरत ही नहीं है। फिर गारंटी किसकी होती है? मिनिमम की होती है ना, मैक्सिमम की तो नहीं होती। अगर उसको 1,01,000 प्रॉफिट हो गया तो गारंटी हमारी खत्म, हमने उसको मिनिमम की बोली थी कि मिनिमम तुझे 1,00,000 मिलेगा, वही बोला है
इफ इंडिविजुअल प्रॉफिट इज मोर देन गारंटीड अमाउंट, अगर हमारा प्रॉफिट जो उसको मिला है वो गारंटी के पैसे से ज्यादा है तो वो गारंटी पे खतरा, फिर जरूरत ही नहीं है गारंटी की। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि जब हम किसी पार्टनर को, चाहे वो नया पार्टनर हो चाहे पुराने पार्टनर हो, एक मिनिमम अमाउंट की गारंटी देते हैं कि भाई जब भी हमारा प्रॉफिट होगा हम तुझे कम से कम इतना प्रॉफिट देंगे, उसे बोलते हैं गारंटी। और गारंटी कौन देता है सर? या तो फर्म देती है यानी सारे पार्टनर्स मिलकर देते हैं, या तो एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर देते हैं। कुछ क्वेश्चन से हम समझते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह देखते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 और बुक है टीएस ग्रेवाल एडिशन 2020। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन 80 पेज 2.91। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, कह रहा भाई एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं और 1 अक्टूबर 2019 को वो बिजनेस में एंटर हो गए। अबे 1 अक्टूबर शब्द ना मुझे सुन के कुछ ना अजीब लग रहा है, तो हम जब से अकाउंट पढ़ रहे हैं हमें या तो 1 अप्रैल सुनाई देता है या 31 मार्च, तो 1 अक्टूबर जैसे मैंने सुना ना तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि भाई अक्टूबर कुछ गड़बड़ कर सकता है। क्या गड़बड़ कर सकता है अभी देखते हैं। उसने कहा भाई एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, 1 अक्टूबर 2019 को इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रखा है 4:3:3, यानी ये 4:3:3, 4/10, 3/10 और 3/10 में अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं, ठीक है। एक्स पर्सनली गारंटीड डेट, एक्स ने गारंटी दी, यानी यहाँ पर एक पार्टनर गारंटी दे रहा है, मैं मजाक में बोलता हूँ कि वो ताऊ बन रहा है, भाई मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे भाई जेड को इतना पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर कौन ताऊ बन रहा है? तो ताऊ बन रहा है एक्स। तो एक्स पर्सनली गारंटीड डेट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन ए ईयर। एक्स ने जेड को गारंटी दी है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट होगा तुझे कम मिनिमम कितने मिलेंगे, तुझे 80,000 से कम नहीं मिलेंगे इन अ ईयर। यहाँ पे इन ए ईयर बहुत खतरनाक बात है, कैसे अभी देखते हैं। चलो तो हम अपन पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, थोड़ा सा रफ सा अकाउंट है क्योंकि थोड़ा सा हम फॉर्मल कम है, हम पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमेशा की तरह हमें कितना प्रॉफिट और लॉस है। सर हमें इस क्वेश्चन में बता रखा है कि हमें प्रॉफिट हुआ 1,60,000 का। चलिए इस प्रॉफिट को बांटने से पहले हम क्वेश्चन के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रहे हैं। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सबको देना आता है, कोई नई बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे हैं सर? कौन कौन से पार्टनर हैं? पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड, इनका कैपिटल भी दे रखा है 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। तो आपने कहा सर एक्स का कैपिटल है 3 लाख रुपए और इसको हम इंटरेस्ट देने वाले हैं, लेकिन अब ध्यान रखना हमारा ईयर शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर को, लिखा है ना 1 अक्टूबर को हमारा ईयर शुरू हो रहा है और इनका एंड हो रहा है हमारा मार्च में। तो सर यानी नीचे लिखा होगा ना प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च, यानी सर केवल 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता तो आप में से 50% बच्चे गलती कर जाते हैं, देखने में बेहद आसान है, बोर्ड वाले ऐसे मारते हैं, पता आपको इतना सिंपल क्वेश्चन दे देंगे और बीच में एक ऐसी बात दे देंगे जो आपको फिर परेशान करेगी। तो बात कौन सी है कि सर क्वेश्चन जो है वो अक्टूबर का है, तो 6-6 महीने की उनको इंटरेस्ट मिलेगी, 3 लाख का 10% 30,000 और 6 महीने का 15,000, देन वाई को मिलेगा सर 2 लाख का 10% 20,000 और आधा 6 महीने का 10,000, और Z का कैपिटल है 1.5 लाख रुपए जिसका 10% होता है 15,000 और आधा हो गया 7,500। सर 15 और 10 सर 25,000 रुपए, 25 और 7,500 रुपए, सर तीनों को बराबर जोड़ते हैं, 15 और 10 25 और 7 32,500 रुपए। तो 32,500 रुपए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब देखते हैं हम लोग कितना प्रॉफिट बचा है, प्रॉफिट निकालते हैं 1,60,000 माइनस 1,32,500 दिया आया 1,27,500, 1,27,500 हमारा प्रॉफिट।
प्रॉफिट आया है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट हमें बांटना है, सिंपल सी बात है, यही हम करते हैं, कुछ नया तो नहीं है। मैंने गलती से लिख दिया अंदर, चलिए 127,500 और 160,000 सर हमारा प्रॉफिट आ गया 127,500 जो इन तीनों पार्टनर्स में हमको बांटना है। चलिए बांटते फटाफट से। तो आपने कहा सर एक्स को मिलेगा 127,500 का इसका रेशियो है 4:10, इसका है सर 3:10 और इसका भी है 3:10। तो 10 से डिवाइड किया सर ये हो गया हमारा 12,750। इसका मल्टीप्लाई किया आपने सबसे पहले 12,750 कर 4 में, ये आया 51,000। नेक्स्ट अब वही सर 12,750 कर 3 में मल्टीप्लाई किया, ये आया 38,250 और ये भी आया 38,250। अभी तक कुछ नया नहीं सर, गारंटी का अभी तक कुछ हमने किया नहीं है। अब आते हैं गारंटी पे। हमने जैसे क्या कहा था, हमने जैसे कहा था तुझे 80,000 पर ईयर मिनिमम प्रॉफिट देंगे। तो जेड कह रहा सर वही तुम 80,000 देने वाले हो, तुम मिल मुझे क्यों 38,250 रहा है। तो पहली बार तो मैंने कहा जेड से सॉरी, मैंने कहा जेड भाई एक बार तो ध्यान से सुन ले, हमने तुझसे कहा था कि 80,000 पूरे साल के, हमारा क्वेश्चन तो अभी 6 महीने का है, तो 6 महीने कितने पैसे होते हैं 40,000। तो पहली बात तो उसे गारंटी कितनी हो गई 40,000 रुपये हो गई। मेरी बात समझ आई सबको, 80 गारंटी थी, अक्टूबर का क्वेश्चन है, 6 महीने तो गए हमारे, तो गारंटी कितनी होगी इसकी, गारंटी होगी पहली बात तो 40। तो सर हमें 40,000 रुपये देने थे लेकिन इसके हिस्से में आ कितने दें केवल 38,250। इसका फोन आया सर आप तो हमें 40 देने वाले थे, मुझे तो मिल रहे हैं केवल 38,250। मैंने कितने कैसे कम मिल रहे हैं, बोला सर मुझको मिल रहे हैं 1,750 रुपीज कम मिल रहे हैं। 1,750 जो इसको कम मिल रहे हैं ये हमारी डेफिशिएंसी हो गई। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें कि कौन गारंटी दे रहा था, और हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक्स पर्सनली कह रहा है कि भाई इसे कोई भी कमी आएगी, तो कितनी कमी आई है इसे 1,750 प्लस के तो पूरे हो गए 40,000। तो ये पैसे किसने दिए हैं, ये पैसे दिए हैं 1,750 किसने दिए हैं सर, सर दिए हैं एक्स ने। तो एक्स के हिस्से में कितने आए, तो ये आए सर हमारे 49,250। वही सर गारंटी, हमने क्वेश्चन किया प्रॉफिट निकाला प्रॉफिट बांटा इतना इतना हिस्से में आया, इससे गारंटी थी 40,000 रुपए की, इतने पैसे कम पड़ रहे थे, इतने पैसे नेक्स्ट ने इसको दे दिया, हम नेक्स्ट के पास से चले गए। अब लास्ट में इनका प्रॉफिट कितना बचा 49,250 और 40,000। बहुत बड़े रॉकेट साइंस इसमें बिल्कुल नहीं है। अब लिखे थे यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, आप चाहें तो इसके लिए भी लिख सकते हैं एक्स को मिल कितने रहे हैं 51,000 माइनस ट्रांसफर टू जेड, जेड को कितने पैसे दे दिए उसने, जेड को दे दिया उसने 1,750, ऐसे भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो अंदर लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो मुझे बाहर लिखना पड़ेगा कि हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट आया, तो मैं बताऊंगा सर एक हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट आया, मैं बोलूंगा सर एक्स के हिस्से में आया 49,250। वाई को कोई फर्क नहीं पड़ा, वाई को जितना पैसा मिल रहा था वाई बोला भाई मैं किसी को कोई गारंटी नहीं दे रहा, वाई को उतना ही मिल गया। जेड की बात करें जेड की बात करें तो हम बताएंगे जेड को मिल कितने रहे हैं सर 38,250 प्लस ट्रांसफर फ्रॉम एक्स, एक्स ने कितने दिए 1,750, टोटल कितने हुए 40,000। टोटल किया हमारा क्वेश्चन हो गया, आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, सिंपल था ठीक है। एक आदमी को गारंटी दी उसको उसका पैसा दिया, जो कमी आ रही है जो गारंटी दे रहा एक पार्टनर दे रहा उससे ले लिया। कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर बाकी पार्टनर्स भी अपनी गारंटी दे रहे होंगे, इसको ध्यान से देखिए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 सेम पेज 2.91 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 82।
क्वेश्चन कह रहा है तीन पार्टनर है ए बी और सी और इनका रेशियो हमें दे रखा है 5, 4 और 1 सिंपल यानी 5/10, 4/10 और 3/10, 1/10 में ये प्रॉफिट बांटते हैं। सी इज गिवन अ गारंटी, सी को हम गारंटी दे रहे हैं कि उसका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो कम से कम 5,000 रुपए होगा कि भाई मुझे जब भी प्रॉफिट मिलेगा मिनिमम 5 मिलेंगे, 5 से ज्यादा मिले तो कोई टेंशन नहीं है, 5 से कम मिले तो कौन देगा। आगे बढ़ते हैं, इसे कहा डेफिशिएंसी इन एनी वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली, इसमें बोला भाई ए और बी उसे इक्वल देंगे। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गारंटी बाकी पार्टनर्स दे सकते हैं, सभी पार्टनर दे सकते हैं, यहाँ पे ए और बी कह रहे हैं कि हम उसे इक्वल करेंगे, डेफिशिएंसी देंगे जो भी कमी आएगी। तो कमी कितनी आई पहले देखते हैं, हमारा प्रॉफिट हुआ है 40,000 का, तो हमने प्रॉपर से लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें प्रॉफिट हुआ 40,000 का, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना, बस केवल प्रॉफिट बांटना है, तो आपने कहा कुछ है ही नहीं, तो चलिए टोटल कर देते हैं, आसान हो गया हमारे लिए, 40,000 और 40,000 प्रॉफिट है 5, 4, 1 का। अगर मैं बांटू रफ में पार्टनर्स का नाम, फिर से मैं देखता हूँ क्वेश्चन 82 में ए बी सी है, तो ए को मिलेगा 40,000 का, उसका शेयर है 5/10, इसका है 4/10 और इसका है 1/10। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 20,000, ये हो गया 16,000, ये हो गया कितना 4,000। और हमने गारंटी तो सी को दी थी, हमने सी से कहा था भाई तुझे तो कम से कम 5,000 रुपये मिलेंगे, उसको हमें 5,000 रुपये देने हैं, यानी डेफिशिएंसी कितनी है सर 5 देने थे, उसको 4 मिल रहे हैं, डेफिशिएंसी आ गई कितने की सर 1,000 रुपये की। तो हमने कहा भाई तू अपना 1,000 पकड़ ले पहले, तो अब दी थी गारंटी पूरी है भाई, अब हो जाए शांत। अब ये गारंटी दी किसने, ए और बी ने, अब ए और बी इसको कितने में बियर कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ ये कौन कर रहे हैं उसको हाफ, यानी कि 1,000 का हाफ 500 रुपये ए देगा और 500 रुपये ही बी देगा, ए से ले लिए 500 रुपये और बी से ले लिए 500 रुपये, बस हो ही गारंटी सेट हो ना, सिंपल लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। हमने कहा मिस्टर ए आपको वैसे तो मिल रहा था 20,000 रुपये, मगर आपने कितना दे दिया सर, आपने 500 रुपये दे दिए, तो आपकी हो 19,500, या क्या लिखेंगे, लिखेंगे ट्रांसफर टू टू सी, सी को दे दिया। बी बोला भाई मुझे मिल रहे थे 16,000 रुपये, मैंने भी क्या करा 500 रुपये दे दिए, इसके पास कितना आया 15,500। और सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है सर मुझे मिल रहे थे 4,000, मगर 600 मुझे एक दे दिए, 400 एक दे दिए, तो मेरे टोटल कितने हो गए 5,000। आप कह सकते हो ट्रांसफर फ्रॉम ए और कोई गारंटी, सिंपल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन और देखते हैं, दो क्वेश्चन इससे के और स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 88 हम देख रहे हैं पेज 2.92 टीएस ग्रेवाल, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ता हूं तो तीन पार्टनर्स हैं अंकुर, भावना और दिशा, चलो हम इसको ए बी और डी मान लेते हैं। तीन पार्टनर्स हैं और 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल दे रखी है 14,00,000, 6,00,000 और 4,00,000 रुपीज। दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2, इनका जो रेशियो है वो 7:3:2 है, ये 7:3:2 में अपने रेशियो को बांटते हैं, तो 7:3:2 का मतलब 7/12, 3/12 और 2/12। आगे ये बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% का, ठीक है, सैलरी मिलेगी भावना को 50,000 रुपए पर एनम, ओके, और कमीशन मिलेगा दिशा को 3,000 रुपए पर मंथ। चलो उसके बाद गारंटी की बात करेंगे, चलो गारंटी को हम दोनों साइड में रख देते हैं ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना काम कर लेते हैं सिंपल सा। उसके लिए हमें प्रॉफिट देखना पड़ेगा, प्रॉफिट दे रखा हमको 9,50,000, हमने हमेशा की तरह लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
9,50,000 हमारा प्रॉफिट है। हमें क्या क्या देना है? हमको देना है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे तीन पार्टनर्स हैं ए बी और डी, हमने शॉर्ट मान लिया है। इनका कैपिटल हमको दे रखा है 14 लाख, तो 14 लाख का 6% हमने फटाफट दे देगा। सर 14 लाख का 6% हो गया 84,000, एक पार्टनर हो गया। नेक्स्ट सर हमारा पार्ट कैपिटल है 6 लाख का, सर 6 6 36, यानी हमारा हो गया सर 36,000। और नेक्स्ट पार्टनर है कैपिटल है 4 लाख, 4 6 24, ये हो गया 24,000। हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और टोटल किया 36 और 24 जोड़ा है, देन 84 ये हो गया 1,44,000। चलिए हम सैलरी भी दे रहे हैं सर। हम सैलरी किसको दे रहे हैं सर? हम सैलरी दे रहे हैं भावना को 50,000 पर एनम। हमने कहा 2 B's सैलरी, इसको पूरे साल की 50,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। वहीं पे हम कमीशन दे रहे हैं किसको सर? कमीशन दे रहे हैं दिशा को। आपने कहा 2, हमने D मान लिया उसे, 2 D's कमीशन। और इसकी कमीशन हमको दे रखी है 3,000 पर मंथ, यानी हम 12 का मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 36,000। तो गारंटी तो बात की बात पर, ये देखो जेब में पैसा कितना आ रहा है। तो सर हमारा टोटल अगर हम करें तो ये हो गया 9,50,000। सर यहाँ पे टोटल करें 9,50,000। अब हम प्रॉफिट को बांटते हैं तीनों पार्टनर्स में ए बी और सी। सर आप गारंटी तो पढ़ नहीं रहे, गारंटी तो बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेंगे प्रॉफिट कितना आया। सर हमारा प्रॉफिट कितना आया सर? 9,50,000 माइनस कीजिए आप 144 और 36 जोड़िए, ये हो गया 180 और 230। हमने इसको लेस किया, यह आया 7,20,000। हमारा प्रॉफिट है 7,20,000 का। और अगर हम भर्ती नोट्स में जाएं और 7,20,000 को बांट दें रेशो में, यानी 7/12, 3/12 और 2/12, तो कितना कितना आया तीनों का? सर 12 से डिवाइड किया 6 7 6 42, ये आ गया सर 4,20,000। सर 12 का किया 6 6 18, 1,80,000। अगेन सर 6 12, 1,20,000। तो तीनों पार्टनर से केस में आ रहा है 4,20,000, 1,80,000 और 1,20,000। अब पढ़ते हैं कि गारंटी एक्चुअली में है क्या। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी लगता है वो क्या बोल रहा है समझ नहीं आता, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, मगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे हम दो पार्टनर्स को गारंटी दे रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी क्या बताया था, हम एक पार्टनर्स को भी दे सकते हैं, एक पार्टनर को भी दे सकते हैं, एक से ज्यादा पार्टनर को भी। तो इसने बताया कि गारंटी हम किसको दे रहे हैं? इसने कहा भाई भावना से, हमने कहा कि भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटेड इज नॉट लेस देन 1,70,000। हमने कहा भावना से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा के तुझे कम से कम 1,70,000 तो बिल्कुल मिलेंगे। और जबकि भावना हमारी कितनी लेके बैठ गई? 1,80। तो भावना तो बहुत खुश है, मुझे तो गारंटी थी कितने की? 170 की, मुझे 180 मिल रहे हैं। और जब गारंटी एक्सीड हो जाए तो वो टेंशन नहीं है, तो भावना को कोई गारंटी नहीं है। हमने कितनी गारंटी इसको दी थी उसे उससे ज्यादा मिल रहा है, तो भावना का क्लॉज खत्म हो गया। आगे बढ़े, फिर हमने गारंटी दी दिशा को। हमने दिशा से कहा कि तेरा जो प्रॉफिट है ना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलाकर, मगर तेरी सैलरी को हटाकर कम से कम तुझे मिलेंगे कितने? नॉट लेस देन 1,50,000। सर समझ नहीं आया क्या बोला। हमने कहा पार्टनर से, दोनों से सॉरी डी है, हमने दिशा से बोला भाई देख तेरा तो प्रॉफिट होगा ना, क्या मिला के? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसकी? सर इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,24,000। हमने कहा तेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुझे मिलेगी और सैलरी भी मिलेगी, मगर सैलरी को हटा देंगे, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के तेरी जेब में कम से कम 1,50,000 रुपए आएंगे। लेकिन हमने जब ऐड किया तो उसके पास तो केवल कितने आ रहे हैं? 1,44,000 आ रहे हैं।
और समझ आई हमने क्या गारंटी दी इसको, हमने कहा कि दिशा तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के लेकिन सैलरी को हटाकर तुझे कम से कम जेब में 1.5 लाख रुपए पड़ेंगे। अब हमने हिसाब लगाया कितने पड़ रहा है उसको, भाई देखो 1.20 तो प्रॉफिट मिल रहा है उसको और 24,000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपने कहा सर इसको कर रहे हैं 144, मगर हमने गारंटी कितनी दी थी इसको कि ऐसे मिलेगी कितने 150, तो इसकी डेफिशिएंसी कितनी आ गई सर, इसकी डेफिशिएंसी आ गई 6,000 रुपए, तो हमें मिलने थे 1.5, इसको मिल रहे हैं 144। अभी 6,000 कौन बॉन्ड करने वाला, आगे पढ़ते हैं, इसे लिखा एनी डेफिशिएंसीज अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर। अंकुर भैया ताऊ बन रहे वगैरह, कोई भी कमी आएगी वो मैं बियर करूंगा, तो सीधी बात है अंकुर से 6,000 रुपए ले लो और इसको 6,000 रुपए दे दो। आप थोड़ा इसको फेयर कर लेना, मैं रफली कर रहा हूँ, जब हम प्रॉफिट बांटेंगे तो कैसे कैसे बांटेंगे, हम बोलेंगे अंकुर को मिल रहे थे 420 लेकिन 6,000 चले गए उसके पास से, बात करेंगे बी की, बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको पूरे 180 मिल रहे हैं, बात करेंगे डी की, सर डी को मिलने थे 120 प्लस 6,000 और मिल रहे हैं उसको, उसको मिल रहे हैं कुल 1,26,000। गारंटी चेक कर लो 126 प्लस 24 150, तो उसकी गारंटी थी 150 की। थोड़ा फेयर कर लेना, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ, इसको फेयरली क्वेश्चन करेंगे, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में भी आता है, आप लोग कंफ्यूज भी होते हो, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे वो क्या और क्या इंक्लूड करने को बोल रहा है और क्या एक्सक्लूड करने को बोल रहा है, ठीक। इनका प्रॉफिट कितना हो गया फाइनल, अगर मैं इसको मिटा दूं तो इनका फाइनल प्रॉफिट कितना कितना हो गया सर, इसका हो गया 4,14,000, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसका हो गया 1,26,000, ये इनका फाइनल प्रॉफिट है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमने स्टार्टिंग करी थी इस क्लास की, तो मैंने आपको बताया था कभी कभी पार्टनर भी फर्म को गारंटी देता है, बिल्कुल सही सुना आपने, पार्टनर भी फर्म से कहता है कि फर्म चिंता मत कर तुझे मैं इतना कम से कम प्रॉफिट कमा के दूंगा। एक्चुअली जो प्रोफेशनल पार्टनरशिप होती है, चाहे सीए हो है ना, चाहे डॉक्टर्स हो, तो ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी पार्टनर बोलता है कि भाई देखो मैं जब अकेला काम करता था ना इतना कमाता था, अब मैं फर्म में काम कर रहा हूँ ना तो मैं तुम्हें इतना तो कमा के दूंगा ही। ऐसे ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन 91 देखिए पेज 2.93 सेम बुक है, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आ ही रहा होगा, क्वेश्चन 91 ध्यान से देखते हैं कि तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल्स होते हैं, ABC है और इनका रेशियो दे रखा है 3:2 और 1 का, हमें कुछ टर्म्स दे रखी है, पहला पॉइंट क्या रखा है, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। हमने सी से कहा सी पार्टनर है, हमने कहा सी तुझे कम से कम 15,000 रुपए मिलेंगे, तो कोई नई बात नहीं है सर, अभी हमने पढ़ा है, ऐसे गारंटी देने में कुछ अलग बात नहीं होती। अब ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना, बी पॉइंट कह रहा बी गिव अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी फॉर द प्रीसीडिंग 5 years व्हेन ही वाज कैरिंग ऑन द प्रोफेशन अलोन व्हिच ऑन एन एवरेज वर्क एट ₹25,000। बहुत लंबी बात बोल दी इसने, तो बी ने सिंपल सी बात बोली कि मैं पिछले कुछ सालों से अकेला काम कर रहा था और जब मैं अकेला काम कर रहा था तो मैं एवरेज 25,000 पर एनम कमाता था और ये गारंटी मैं फर्म को दे रहा हूं कि मैं अभी 25,000 कम से कम कमाऊंगा, अगर मैं 25 से 1 रुपया भी कम कमाता हूं तो फर्म को अपनी जेब से दूंगा। ये गारंटी किसकी है, ये गारंटी है पार्टनर किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है। देखें जरा कितना सफल होता है, नीचे इसने कहा प्रॉफिट फॉर द ईयर 75,000 है, आपने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर थोड़ा रफ हो गए आप, बहुत ज्यादा रफली कर रहे हो, हम कौन सा बैठे समझ जाते हैं, आगे हम थोड़ा सा रफली पहुंच जाते हैं, सर 75,000 फर्म ने कमाया है और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अभी अभी कि बी ने 16,000 कमाए हैं। बी बड़ा ही होशियार बन रहा था कि मैं 25,000 कमा के दूंगा, मगर कमा कितना पाया, केवल 16,000, यानी कि 9,000 रुपए ये अपनी जुबान से नीचे कमा रहा है, यानी इसने फर्म को 9,000 रुपए कम कमा के दिए, जो 9,000 रुपए कम कमा के दिए तो कोई बात नहीं फर्म को 9,000 रुपए दे देगा, बहुत बड़ी कोई बात तो है नहीं यहाँ पर। अब जब फर्म को देगा तो हम सब जानते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ते आ रहे हैं, जब भी फर्म को कुछ मिलता है तो यहाँ आता है, तो आप लिखते हो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बी कितने देगा, बी बोलेगा देखो 25 का मैंने वादा किया था 16 में कमा के दे ही रहा हूं आपको, तो 9,000 मुझे कम पड़ गए हैं ये मैं आपको दे देता हूं,
अब फर्म का जो प्रॉफिट हो गया ना वो हो गया 84,000। अब 84,000 को फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स में बांट देगी और क्वेश्चन नॉर्मल करेगी, है ना। अब क्वेश्चन में कुछ तो है नहीं, तो आपने कहा 84,000 हो गया। अब हम जब इस 84,000 को बांटेंगे तीनों पार्टनर्स में, यानी ए बी और सी में, और इनका रेशियो कितना है सर, 3/6, 2/6 और 1/6। तो बांटे जरा, 6 का डिवाइड करें 84 में और मल्टीप्लाई करें, तो कितना कितना आया सर, एक का आया 42,000, 28,000 और 14,000, ठीक है। अब गारंटी क्या थी, देखो अब गारंटी आ गई किस पे, सी पे। सी से हमने क्या कहा था, तुझे 15,000 रुपए मिलेंगे सर, इसको मिल रहे हैं 14,000 सर, बात खींचो मत, फटाफट करा दो, 1,000 रुपए इसको दे दिया जाएगा। अब 1,000 रुपए कौन देगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, जब कुछ नहीं कह रखा तो इसको माना जाएगा ये फर्म की गारंटी है, यानी ए और बी दोनों इस 1,000 को बियर करेंगे। कौन से रेशो में करेंगे सर, ये तो चला गया 3:2 बचे, एक 3/5 यानी 600 रुपए और ये 2/5 यानी 400 रुपए। तो हम ये से बोलेंगे, ए भाई 600 रुपए आप दे दो, 400 आप दे दो, हमारी गारंटी पूरी हो जाएगी और आप क्वेश्चन पूरा कर लीजिएगा। चलो करा ही देता हूँ, आप बोलोगे सर आप ही करा दो, हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, कितना पैसा मिल रहा है ए को, ए को मिल रहा है 42, लेकिन ट्रांसफर टू सी, सी को कितना पैसा दे दिया इसने 600, इसको बचा 41,400। बी सर, बी को मिल रहा था 28,000, लेकिन बी ने कितना दे दिया सर 400, तो बी पे बचा 27,600। और बात करें सर हम इसकी सी की, सी को 14 मिल रहा था, मगर दोनों पार्टनर्स ने थोड़ा थोड़ा इसको दे दिया, इस पे पहुंच गया टोटल 15,000 और ये हमारी गारंटी। सिंपल है, गारंटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या तो समझ आती है कि नहीं आती है, और समझ आ जाती है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको क्वेश्चन है पूरा, बस प्रॉफिट निकालने के बाद थोड़ा दिमाग लगाना है कितना कम पड़ रहा है और कौन गारंटी दे रहा है, इतनी सी बात देखनी है। ये क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं, एक छोटी सी एक कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूंगा कि आप जरूर ध्यान से देखें, यूनिक चीज है, कम आती है, जो चीज कम पूछी जाती है यानी कम आपको दिखती है वो थोड़ी ज्यादा कठिन होती है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, सपोज किसी, अगर हम किसी पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं मगर फर्म में प्रॉफिट के बदले उल्टा लॉस हो गया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज कीजिए हमें लॉस हुआ है और हम जानते हैं लॉस के समय हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, बिकॉज एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो किस लिए बनाते हैं, प्रॉफिट को बांटने के लिए, अगर प्रॉफिट हुआ नहीं तो बांटे क्या। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब की बात बिकॉज हमें लॉस है और हमारा लॉस है सपोज कीजिए मान के चलते हैं 20,00,000 नेट लॉस। हमारे तीन पार्टनर्स हैं एबीसी और हमारा रेशियो है 2:1 का, हम क्या करेंगे इनको बांट देंगे। तो आपने कहा तीनों पार्टनर है एबीसी, आपने लॉस बांट दिया 2:1, तो ये 2, 2, 4, 5 हो गया सर, डिवाइड किया तो कितना हो गया सर 5 सर 2, 2, 4, 5 में क्या हो रहा है, ये 5 को डिवाइड किया 25 से हो गया 4, 2, 8 यानी हो गया 8,00,000, इसका भी 8,00,000 और इसका भी, इसका 4,00,000 सॉरी, टोटल हमारा इस तरह से लॉस हो गया। कौन सा बहुत अच्छा है ध्यान से समझना, क्या कॉन्सेप्ट है कि सर दोनों पार्ट, हमने एक पार्टनर को गारंटी दी है, चलो मैं आपको क्वेश्चन खोल ही देता हूं, हमने सी से कहा था कि भाई देख तुझे मिनिमम 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, कोई भी कमी आएगी तो ए और बी उसको अपने रेशियो में देंगे, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया, हमने तो बी से कहा था कम से कम 2,00,000 रुपए देंगे, मगर यहाँ तो उल्टा क्या हो रहा है सी से, सॉरी यहाँ पे सी को उल्टा 4,00,000 का लॉस हो रहा है। अब सी को कितने प्रॉफिट देना पड़ेगा हमको, तो सिंपल सी बात है, देखो 4,00,000 का लॉस हुआ उसको, वो उस की जेब से गया, एक तो ये हमें देना पड़ेगा प्लस 2,00,000 उसको हमने प्रॉमिस किया तुझे मिलेंगे, तो अब उसे कुल 6,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लेना, हमारी फर्म को अब की बार लॉस हो रहा है और सी को 4,00,000 का उल्टा घाटा हो रहा है,
जबकि हमने सी से क्या बोला कि भाई तुझे कम से कम 2 लाख रुपए प्रॉफिट मिले गारंटी है। अब सी को कितना पैसा देना पड़ेगा हमको, सिर्फ कॉमन सेंस की बात है, 4000 का लॉस जो हमें हुआ था वो उसको देना पड़ेगा और ये जो हमने उसको गारंटी दी थी तो टोटल 6 लाख रुपए इसको देने पड़ेंगे। कौन देगा ये 6 लाख रुपए? सर बचे पार्टनर्स अपने रेशो में कितने कितने हुए सर, 6 लाख को बांटे तो 3-3 लाख रुपए दोनों दे देंगे। अगर मैं रेजन एंटी की बात करूं, एंटी मैंने पहले भी बताई है कि जिस पार्टनर को मिलता है वो क्रेडिट, तो मिल किसे रहा है सी को, तो इसकी एंटी जाएगी ए डेबिट बी डेबिट टू सी, 3 लाख रुपए ए देगा, 3 लाख रुपए बी देगा और सी को कुल 6 लाख मिलेंगे। 6 लाख क्यों सर, 4 लाख उसे घाटा हुआ वो मिलेगा और 2 लाख उसको कम से कम मिनिमम गारंटी थी वो मिलेगी। तो ये हमारा गारंटी का टॉपिक था, वीडियो को दोबारा देखिए, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आए सिंपल क्वेश्चन है बुक से क्वेश्चंस कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, अच्छा लगता है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी में अपनी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, थैंक यू।